आगे बढ़ जाओ। अजित सर यहाँ पे लोग मुबारक हो। ठीक है, ये कॉलेज सब दिल्ली से की तरफ से ही दे दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज की जनरेशन की जो
सेलिब्रेशन करती है बहुत ही दिल से। जहाँ से आप क्या कहना चाहेंगे, आपको आपकी जवानी के दिन याद आते, कॉलेज के दिन याद आते, कॉलेज के दिन? नोबडी कोई अपना कॉलेज का दिन भूलता नहीं है, नोबडी फॉरगेट्स द स्कूल एंड कॉलेज डेज, बट इज जस्ट टू मेक द चिल्ड्रेन मोर मोटिवेटेड। वो अपना कल्चर दिखा कैसे पाएंगे? गॉड्स वी हैव टू एनकरेज देम। देखिए मैं तो ये बताना चाहूँगा कि मैं संगीतकार से पहले डांस मास्टर हुआ करता था, और डांस मास्टर था और आज भी हूँ वैसे तो। तो ये स्कूल कॉलेज से मेरा वाबस्ता मतलब 70 से रहा है, और मैंने बच्चों को काफ़ी तालीम दी है। तो आज भी बच्चों के बीच आने के बाद में मुझे मेरे वो गुजरे दिन याद आ रहे हैं कि मैं कभी इन बच्चों के एनुअल डे फंक्शनों में इनको मैं ट्रेन किया करता था बच्चों को, और डांस सिखाया करता था। और ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जब यंग बच्चों के साथ में सामने आते हैं तो हम भी अपने आप को यंग समझने लग जाते हैं। जैसे कि रोडी साहब है, ये तो हमेशा यंग है, मैं भी आज अपने आप को यंग समझ रहा हूँ क्योंकि इतने जवान जवान इन दोनों के बच्चों के साथ में मैं खड़ा हूँ। और के जो फंक्शन होते हैं हम लोगों को बुला के और हमारे हाथों से बच्चों का मान बढ़ाया जाता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस तरीके के फंक्शन होने चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रांत के कल्चर के जो हमारे गाने हैं बजाने हैं, तो वो सब हमको यहीं देखने को मिलती। और आज के कॉलेज के बच्चों में ये सब बातें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके के फंक्शन करेंगे तो इन बच्चों में हमारी पुरानी सभ्यता जो है वो कायम रहेगी। ये अच्छा है, क्योंकि मुझसे पूछ रहे हो भाई, नया पीढ़ी का जो म्यूजिक है वो कंप्यूटराइज म्यूजिक कहा जाता है उसको, और कंप्यूटर का म्यूजिक भी जरूरी है क्योंकि आजकल हर चीज मीडिया प्रधान हो गई है। तो कंप्यूटर टाइप का म्यूजिक अच्छा है, बुरा नहीं कह सकता, मगर उसकी उम्र कम है। आज के संगीत की आप वो उम्र नहीं कह सकते। जैसे आज भी लोग हम लोगों से जब मिलते हैं, दिलीप सेन समीर सेन को जब याद करते हैं तो 90 के दशक के म्यूजिक के लिए बात करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि उसका कारण ये रहा है कि उस जमाने में जब हम लोग हमारी सीटिंग करते थे फिल्मों की, गानों की, तो उसमें क्या होता था कि गाने सिचुएशनों पे बनाए जाते थे और गानों के बोल भी उस सिचुएशनों के हिसाब से लिखे जाते थे। जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजकल वो सब नहीं है। आजकल तो ये कि एक ये आइटम गाना हो गया, एक फलाना गाना डाल दिया, एक दो तीन गाने मिक्स करके एक फिल्म बन जाती है जो कि फिल्म तक अच्छा लगता है। तो आज का म्यूजिक बुरा नहीं है, मगर उसकी जान थोड़ी कमज़ोर है। ऐसी बात नहीं है, जिसने हमारे वक्त में जो सिंगर थे वो बहुत ही अच्छे थे, आज भी सिंगर अच्छे हैं, मगर मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए, क्योंकि आज मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा सिंगर कौन सा गाना गा रहा है, क्योंकि सारे सिंगरों की एक ही आवाज़, एक ही टोन और एक ही पैटर्न का म्यूजिक होता है। तो उसमें आप किसी सिंगर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि हाँ यार ये फलाना सिंगर गा रहा है। मैं जब भी ये नए गाने सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये शायद कौन सिंगर होगा, तो मुझे पूछना पड़ता है कि कौन गा रहा है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। म्यूजिक तो बेस है जीवन का, वो बेस है, भला वो सुख में हो, दुख में हो या साधना में हो, वो तो म्यूजिक ही लगता है। संदीप जी, आप अपने कॉलेज के वक्त के लम्हों को किस तरह याद करते हैं, आज इन बच्चों को भी आप क्या महसूस? मुझे मेरे कॉलेज के दिन बहुत याद आ रहे हैं, पर एक बात कहूँगा, मेरे कॉलेज ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पे इतने बच्चे, इतना सब कार्यक्रम हो रहा है, हमारे समय थोड़ा कम होता था, बट नाच गाना डेफिनेटली होता था ज़रूर। पर यहाँ पे जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत खूबसूरत किया है, सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर देम। और बहुत अच्छे तरीके से इतने सब सिंगर्स आ रहे हैं, म्यूजिशियंस आ रहे हैं, डांसर्स आ रहे हैं, सब कुछ प्रमोशन हो रहा है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई होप ऐसा मेरे ज़माने में होता, बात अलग होती, पर आई थिंक दीज किड्स आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको ये सब देखने को मिल रहा है इतनी छोटी उम्र में। हमारे समय थोड़ा मुश्किल होता था बहुत, पर आजकल इंटरनेट का ज़माना है और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो आसान भी पड़ रहा है उनके। आज सोशल मीडिया के माध्यम से म्यूजिक और डांस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, हर कोई अपना टैलेंट पेश कर सकता है आसानी से, क्या कहेंगे इस बारे में? इंटरनेट से आई थिंक बहुत लोग सामने आए हैं, छोटे छोटे शहरों से लोग सामने आए हैं, अच्छा लगता है देख करके, क्योंकि लोगों को जो पहले मौका नहीं मिलता था, अभी आसानी से मौका मिल रहा है। जैसे सर ने कहा कि जान जो है थोड़ी कम है, क्योंकि जो रिहर्सल लगती है, जो मेहनत लगती है किसी भी आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं पर कम दिखती है बच्चों में। तो मेरा ये सजेशन रहेगा सब लोगों को, अगर आप आगे आना चाहते हैं
डेफिनेटली इंटरनेट को यूज़ करिए, उसके माध्यम से आगे आइए, और सबसे पहले अपने आप को तालीम दीजिए अपने अपने डांस में, अपने म्यूजिक में। अगर वो मिलेगी आपको तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैडम एक सवाल आपसे भी है, आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हो रहा है और आपके क्या अनुभव है, आपके क्या एक्सपीरियंस है इस फंक्शन को लेकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एज यूजुअल। मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो इतने सारे मेरे एज के स्टूडेंट्स को देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है कि और थैंक्स टू रॉनी सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये सब देखने के लिए, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ बट स्टिल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हेल्प किया है, तो अच्छा लग रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट होके भी इधर मैं रॉनी सर के साथ खड़ी हूँ। मैंने वो तो है, अभी इतने सारे टैलेंट इवेंट शोज हो रहे हैं तो सब टैलेंट्स न्यू टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं, तो हमें भी पता चल रहा है कि इन कॉलेज स्टूडेंट्स पे वो सब न्यू टैलेंट्स हैं पता चल रहा है। एंड रॉनी सर ऑफकोर्स वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो और नए लोग आ रहे हैं और पता चल रहा है, तो ये सब देख के अच्छा लगता है कि है और लोग हैं आज भी जो चाहते हैं कि ये सब टैलेंट्स और नए आए। बिकॉज ऑनेस्टली बोलूँ तो डांस ये सबको कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट ये सब देख के तो और अच्छा लगता है कि हाँ फाइनली कोई है जो हमारी हेल्प कर रही है सब टैलेंट्स भी लाने के लिए। तो ऑफकोर्स ऑल थैंक्स टू रॉनी सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। चलो फैमिली।